आप लोगों ने तो हुआई कंपनी का नाम सुना ही होगा जो मोबाइल्स वगैरह बनाती है। तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हुआई कंपनी अब इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली है, तो क्या आप लोग मानोगे या शॉक हो जाओगे? मेरे को पता है आप लोग नहीं मानोगे। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि चीन की जो इतनी बड़ी कंपनी है हुआई, अब इलेक्ट्रिक कार की मार्केट में उतरने वाली है। वो पहली अपनी इलेक्ट्रिक कार उतारने वाली है मार्केट के अंदर, जो कि सिंगल चार्ज पर 700 किलोमीटर की ड्राइविंग नहीं देगी आपको। मतलब यह है कि ये सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक कार है इंडिया के अंदर सबको टक्कर दी, कोई भी कड़ी। बाकी अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हुआई कंपनी चीन की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अब उसने जो अपना हाथ है इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट के अंदर डाल दिया है। हुआई कंपनी ने चीन में ही दो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, चैंगोन ऑटो और कैटल, इनके साथ मिलकर अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अवतार 11 से पर्दा उठा दिया है। इस इलेक्ट्रिक कार की खास बात यह है कि सिर्फ सिंगल चार्ज पे 700 किलोमीटर की ड्राइविंग नहीं देगी आपको। फिलहाल कंपनी ने क्लेम किया है, बाकी जब ये ऑन रोड आएगी, मतलब लोगों के हाथ में पड़ेगी, तो पता चलेगा कि 700 देती है, 300 देती है, 500 देती है, 600 देती है, वो तब पता चलेगा। अवतार 11 जो गाड़ी होगी वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर चलने वाली गाड़ी होगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक कार है। इसके अंदर 200 किलोवाट की हाई वोल्टेज सुपर चार्जेबल बैटरी दी गई है, जिससे सिंगल चार्जिंग पे 700 किलोमीटर की ड्राइविंग नहीं दे सकती आपको। हालांकि टेस्ला की जो व्हीकल है उसके अंदर 250 किलोवाट की बैटरी मिलती है, जो कि अवतार टेक्नोलॉजी के अवतार 11 से ज़्यादा इफेक्टफुल है। वाई की नई इलेक्ट्रिक कार की एक खास बात और है, ये सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है, क्योंकि इसमें एक बेहतरीन पिकअप फैसिलिटी दी गई है। अगर मैं इस कार के लुक की बात करूं, तो अवतार 11 का जो लुक है काफ़ी बेहतरीन है। वहीं इस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि इसको दूर से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर हम अवतार 11 को बाहर से देखें, तो इस इलेक्ट्रिक कार का जो लुक है काफ़ी बोल्ड और स्पोर्टी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हुआई कंपनी पहले मोबाइल बनाती थी, अपनी मोबाइल बेचती थी, इतने हजारों में बेचती थी, तो अब अपनी जो गाड़ी है कितने बेचना चाहेगी इंडियन मार्केट के अंदर, या फिलहाल जहाँ भी लॉन्च करेगी वहाँ पे? अगर मैं कीमत की बात करूँ, तो अभी तक अवतार टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि इसकी कीमत कितनी होगी। लेकिन चीन की जो मीडिया है उसके अकॉर्डिंग अवतार 11 की जो एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है, वो हो सकती है 3 लाख युआन, यानी करीब 35 लाख रुपये के आसपास। और हुआई कंपनी ने ये कहा है कि वो अगले साल, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में इस गाड़ी को लॉन्च कर सकती है। मगर इसके साथ ही अवतार टेक्नोलॉजी का ये भी कहना है कि वो अगले 5 सालों में 4 नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। मतलब इसकी प्लानिंग वो कर रही है, ये पहले लॉन्च करेगी अवतार 11 को, उसके बाद 5 और नई कार लॉन्च करेगी। बाकी ये तो देखने वाली बात है कि ये कब लॉन्च करती है और कब इसके बारे में वो डिटेल बताती है। बाकी ये तो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में आया है कि ये गाड़ी लॉन्च करने वाली हुआई कंपनी और इसके अंदर यही डिटेल्स हैं। बाकी जब कंपनी इसके बारे में ऑफिशियल डालेगी कि हाँ भैया हम लाने वाले हैं कन्फर्म, तब उसके बारे में वो ज़्यादा पता चलेगा हमें। तो अगर आपको इसके बारे में वो जानना है, या आप भी इसका बेसब्री वेट कर रहे हो कि हाँ आए हमें पता चले, तो आपको मेरे चैनल में बने रहना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो सिर्फ इतना ही आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।